हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी शेल्दी रेसिपीज की किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेज पॉट राइस की बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस रेसिपी। इसमें मैं बहुत सारी सब्जियों का यूज़ करूँगी, जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं और लाइट खाना खाकर बोर हो गए हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये राइस जितने लाइट और हेल्दी हैं उतने ही डिलीशियस हैं। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले हम आधा कप मशरूम को छोटे पीसीस में काट लेंगे और 5 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। फिर इसका पानी हम अलग कर लेंगे। ये मैं कुछ सब्जियां ले रही हूँ जिसको मैं 5 मिनट के लिए ब्लांच करूँगी। बेबी कॉर्न है, ब्रोकली है और कैरेट है। फिर इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं। एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे और 1 चम्मच ही डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ 1 लाल मिर्च, जो कि फ्रेश लाल मिर्च है, ये बहुत अच्छा टेस्ट देगी। फ्लेम को हम लो रखेंगे और अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बारीक कटा हुआ प्याज, इसे भी लो फ्लेम पर भूनेंगे। ये 1 प्याज लिया है, 1 कैप्सिकम ली है और आधा मैंने स्प्रिंग अनियन लिया है। प्याज और शिमला मिर्च को मैंने क्यूब्स में काट लिया है और हरे प्याज को बारीक काटा है। इस टाइम पर फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। अब 1/2 चम्मच मैं सिरका डाल रही हूँ और 1/2 चम्मच ही सोया सॉस, इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पर फ्लेम को फिर से लो कर देंगे, नहीं तो सॉसेस नीचे लगने लग जाएंगी। अब 1 चम्मच डालेंगे रेड चिली सॉस। ये जो पॉट राइस बनते हैं थोड़े स्पाइसी ही होते हैं, तो हम थोड़ी मिर्च ज़्यादा ही डालेंगे। अब इसमें 1 गिलास डाल देंगे वेजिटेबल स्टॉक, जो हमने सब्जियां ब्लांच करी थी उसका पानी है ये। अब हम फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे और इस पानी को उबलने देंगे। अब इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच टमाटो सॉस, 1/2 चम्मच डाल रही हूँ काली मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, 1/4 टीस्पून डालेंगे भुना हुआ जीरा। नमक देखकर डालें क्योंकि सॉसेज में भी थोड़ा नमक होता ही है। अब ये 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, 2 चम्मच इसमें पानी अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि ग्रेवी को थोड़ा सा गाढ़ा करना होगा तभी ये स्वाद लगेगी। इसको हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इसकी चेंज करेंगे। अब लो फ्लेम करके इसको इसमें मिक्स करके और अच्छे से बॉयल होने देंगे। साथ में ही डाल देंगे ब्लांच की हुई सब्जियां। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप बंद गोभी, जो कि कच्ची ही है और ये क्रंची ही अच्छी लगती है। इसको डालने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। ये हमारी ग्रेवी बनकर रेडी है। अब हम चावल बॉयल करेंगे। 4 कप पानी लेंगे 1 कढ़ाई में, इसको उबलने देंगे। 1 चम्मच इसमें मैंने डाला है ऑयल और 1 लाल मिर्च फ्रेश काट कर डाली है। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इसको बॉयल होने देंगे। बॉयल होने के बाद इसमें 1 कप चावल डाल देंगे, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया था। पानी में एक उबाल आने के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और चावल को अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए चावल अच्छे से गल गए हैं। अब इसको हम छान लेंगे और इसका पानी अलग कर लेंगे। हमारे बॉयल्ड राइस बनकर रेडी हैं। अब इन राइस को हम ग्रेवी में मिक्स करेंगे। अब कोई पॉट लेंगे, मैं एक एयर टाइट ढक्कन वाला बाउल ले रही हूँ, इसमें मैंने राइस डाले हैं, ऊपर से मैं ग्रेवी डालूँगी और फिर इसको ढक के हम 2-3 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि ये ग्रेवी अच्छे से राइस में मिक्स हो जाए। देखिए देखने से ही ये कितनी टेस्टी रेसिपी लग रही है। आप ये रेसिपी घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप सभी को ये बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे पेज को लाइक ज़रूर करें, ताकि मेरी और भी हेल्दी और डिलीशियस रेसिपीज़ आप तक पहुँचें, और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। हैव अ नाइस डे।